उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद सुरक्षा को देखते हुए पूरी कैबिनेट क्वारंटाइन कर दी गई थी, लेकिन सतपाल महाराज के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। जहाँ कांग्रेस सतपाल महाराज पर कार्यवाही करने की बात कर रही है, तो वही सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के मंत्री को कार्यवाही करने की बात पर बातों को घुमा रहे हैं। काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि सरकार की नज़र में जनता के लिए कानून व्यवस्था अलग है, जबकि मंत्रियों के लिए कानून व्यवस्था अलग है। यही कारण है कि अभी तक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही अमल में लाई गई है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सतपाल महाराज और अन्य सभी के जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हुए कार्यवाही की बात को खत्म कर दिया। प्रदेश में जो भी कोरोना के संक्रमित हैं और सतपाल महाराज और उनके परिवार के लिए कुशल क्षेम की कामना करता हूँ कि वो सभी लोग जल्दी स्वस्थ हों। दूसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड की कानून व्यवस्था है वो आम आदमियों के लिए कुछ अलग है और खास आदमियों के लिए कुछ अलग है। जब सतपाल महाराज जी की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता रावत जी कोरोना संक्रमित थी और ये बात की जानकारी थी, तो निश्चित रूप से उनके पूरे परिवार को जो है क्वारंटाइन करना चाहिए था। और जिस प्रकार से मंत्री जी सदन में आए, वो पूरी की पूरी उत्तराखंड सरकार को जो एक तरीके से दोहराए पर खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी उत्तराखंड सरकार क्वारंटाइन में जाने की स्थिति में हो गई, खुद मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ी ढिलाई बरती गई है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई है। और ये देखने को आता है कि उत्तराखंड की जनता जो है वो सरकार की निगाहों में एक अलग रखती है, आम नज़रिए से देखा जाता है और मंत्रालय को खास नज़रिए से देखा जाता है, जबकि उन्हीं की वजह से पूरा का पूरा मंत्रालय, पूरी की पूरी सदन, उसमें काम करने वाले लोग, सभी लोग संक्रमण की आशंका जिन पर जताई गई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी ढिलाई बरती गई है। हमारे मंत्री जी का, उनका परिवार जिनको संक्रमण पॉजिटिव आया वह इस समय स्वस्थ है, और बाकी भी हमारे मंत्रियों से बात हुई है, सब लोगों ने ईमानदारी से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका उन्होंने पालन किया और सबका स्वास्थ्य ठीक है। मैं आपके माध्यम से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी सहयोगी साथी स्वस्थ रहें और ठीक समय पर बहुत जल्दी वो अपने विभागीय कार्यों को देखें ताकि प्रदेश हमारे इस बीमारी से आगे निकल के आए। देखिए, ये जो इतना बड़ा संकट है ये अपने आप पूरी मानव जाति पर कार्रवाई बन के आया हुआ है, और इसमें किसी भी कार्रवाई होना ना होना ये विशेष बात नहीं है, ये आगे किसी दूसरे में संक्रमण ना जाए, हम एक दूसरे को बचा सकें, ये अपने आप में मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा हमको सचेत रहने की आवश्यकता है।